मतलब आई थिंक 2 डेज वेटिंग पे, और उसके बाद मैं लेके आई हूँ लाइव आप सबके बीच में, तो ज्वाइन कीजिए जल्दी जल्दी, फिर उसी हिसाब से मैं साड़ी डिसाइड करूँगी कि मुझे कौन सी डालनी है। और इवनिंग में मैंने बना लिया अभी थोड़ी सी चाय, आज मैंने करवाई थी थोड़ी सी हेयर कटिंग, जैसे कि मंडे का दिन था तो मैंने वॉश वगैरह करा था, तो वॉश वगैरह करने के बाद मैंने थोड़ी सी कटिंग वगैरह करवाई, अच्छी लग रही है ना। गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में बाल ओपन करने के बाद ना थोड़ी सी मतलब समर में प्रॉब्लम होने लगती है, लेकिन विंटर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि हम अपने हेयर को फ्री रखने के बाद डिस्टर्ब हों, तो इसीलिए मैंने कटिंग करा ली थी। और अभी मैं करूँगी अपनी चाय एंजॉय। और किस किस को रात में चाय पीना पसंद है, और जैसे सर्दियों का टाइम है तो मुझे तो बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगती है। और ये देखिए मेरा कलेक्शन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हाय पवन साई जी, हाय गुड इवनिंग। तो सबसे पहले आते के साथ ही आपसे बोलूँगी कि मतलब पहले लाइक कर दीजिए और ज्वाइन कीजिए लाइव, और जैसे ही धीरे धीरे मेरी लाइव को ज्वाइन कर लेंगे मेरे मतलब व्यूवर्स और जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं वो मेरे आ जाएंगे, उसके बाद मैं कर दूंगी लाइव स्टार्ट। तो अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे तो मेरी इंस्टा आईडी फॉर माई गुड मॉर्निंग, वाई यू आर गुड मॉर्निंग, वेयर आर यू फ्रॉम, और डिनर सबका हो गया क्या? हमारा तो हो गया, अभी डिनर किया था। और अब मैं कर रही हूँ चाय एंजॉय, और ये है मेरे एडिटिंग पैलेस जहाँ पर मैं अपनी एडिटिंग वगैरह करती हूँ। आप बहुत ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। और आई एम यूएस, ओके यूएस या यूएसए, वेयर आर यू फ्रॉम? अभिषेक हाय कैसे हो, गुड इवनिंग, फर्स्टली गुड इवनिंग, एंड सबसे पहले लाइक करते रहिए, लाइक करने से मुझे पता लगेगी। बस एक ही बंदा है जो मुझे लाइक कर दिया है उन्होंने, हाय टी एस सिवेश कुमार जी, हाय वेलकम है मेरी लाइव में। और ये मेरा एडिटिंग पैलेस है जहाँ पर मतलब मैं एडिटिंग करती हूँ अपने व्यूज़ की और उसकी, तो आज मैंने लाइव यहीं पर कंटिन्यू किया है। आप कहाँ से हो? आई एम यूपी। आप बताइए अपने बारे में, आप कहाँ से हो? चलिए चलते चलते बात करते, और मैं ले आती हूँ कि चाय। कैसे लगे? बढ़िया बढ़िया, यम्मी यम्मी डिनर कुछ इस तरह से हो रहा है, बढ़िया। सर्दियों में रजाई में ही चाय, कितनी कॉस्ट्यूम सुपर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चीयर्स एवरीवन, टी टाइम। और शाम के टाइम सर्दियों में चाय किस किस को पसंद है, तो ज्वाइन कीजिए विद माय टी। सर बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए, आपके वहाँ सर्दी है क्या? हाँ जी यहाँ पर सर्दी है, लेकिन इतनी नहीं है जिस तरह से मैंने वेयर कर रखा है, आपने देखा ही होगा मैंने काफ़ी लाइट वेट अपना वेयरिंग कर रखा है, तो इतनी भी सर्दी नहीं है। सर्दी है अदरवाइज पर इतनी नहीं है, जैसे मतलब हर बार दिसंबर हो रहा है तो दिसंबर के अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं कि दिसंबर में कितनी सर्दी होनी चाहिए। एक्चुअली मैं आ गई थी अपनी लाइव स्टार्ट करने के लिए बस उतनी देर में। हाँ जी मैं ऑल टाइप ड्रेसेस पहनती हूँ, आपने देखा ही होगा, और मेरे ड्रेस का कलेक्शन देखो कितना सारा। मैं हमेशा जींस टॉप टी शर्ट और साड़ीज तो आप सबकी चॉइस होती है, इसलिए मेरी क्वालिफिकेशन, आई एम ए फैशन डिजाइनर DFD इन 2 ईयर्स एंड MA BA। तो एजुकेशन तो काफ़ी है, मतलब जितना मुझे चाहिए, मतलब
और उसी हिसाब से मैं वर्क करती हूँ। वर्क भी मेरा बहुत अच्छा है, मैं ग्राफिकल भी हूँ, मैंने कॉरल ड्रॉ भी कर रखा है, और मैंने कंप्यूटर कोर्स भी कर रखा है 1 ईयर। मैंने पहले जब मैं क्लास स्कूल में पढ़ती थी ना तब करती थी। आज मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि सारे के सारे मतलब बातें इतनी अच्छी अच्छी अनु बहरी जी, मेरा डिनर हो गया है, आपका हो गया है, अभी मैंने दिखाया था ना आपको कि बेटा कर रहा था डिनर, बस मेरा डिनर हो चुका है, आप सुनाइए। उसके बाद ही, डिनर के बाद ही मैं लेती हूँ थोड़ी सी टी टाइम होता है मेरा। हाँ, आज मुझे सच में ना अभिषेक ट्रिकल जी बहुत अच्छे से मतलब इतना मैनरेबल लग रहा है कि मतलब लाइव में आओ और कुछ अपनों के साथ मतलब क्लोजमेंट से एकदम फ्रेंडशिप सी बातें हों तो फिर कितना अच्छा लगता है। इसी तरह से लाइव अच्छी लगती है। मैं अभी आया हूँ शॉप से। अच्छा, आपकी किस चीज़ की शॉप है वैसे, बाय द वे? और वेयर आर यू फ्रॉम अनुबहरी जी? अभिषेक जी, आप कहाँ कहाँ से हैं? आपसे भी अभी लाइव में मुझे लग रहा 5-6 बार मुलाकात हुई है, लेकिन बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, क्योंकि आजकल आप सबसे मैं तहे दिल से बोलूं कि अच्छा गोल्ड की है, ओके गुड, तो फिर मतलब दोस्ती हो गई है, अच्छे से दोस्ती हो गई है, लगता है अमृतसर पंजाब, ओके। चलिए, कभी पंजाब घूमना होगा तो जरूर आपसे मुलाकात करेंगे। आप मेरी इंस्टा आईडी पर और प्रमोशन से रिलेटेड आप जितने जिसको भी मतलब जानते हो, अब आप मेरे फ्रेंड सर्कल ही बन चुके हो, तो मुझे काफ़ी ऑफर आते रहते हैं। अभी मैं थोड़ा सा डिले कर रही हूँ क्योंकि मेरा 3.9K होने वाले हैं इस पे यूट्यूब पे, और उसके बाद इंस्टा वगैरह पे भी है, तो मुझे DM आ रहे हैं प्रमोशन से रिलेटेड, पर मैं सोच रही हूँ देखते हैं क्या सच में मतलब बेस्ट होगा। तो आप सबके जितने भी क्लोज फ्रेंड्स या जिनको आप जानते हो कोलाब्रेशन से रिलेटेड, जो मैं बिल्कुल फेथली उन चीज़ों पर ध्यान दे सकूं, मेरे कुछ जो मेरा नया वर्क स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी मुझे बताइएगा जरूर, क्योंकि आपके सजेशन मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। आपकी जैसे यूट्यूब पे ही मेरी दोस्ती हुई है, लेकिन आप देखते हो, अगर मेरी ब्लॉग देखते होंगे तो आपको पता है कि मैं फैमिलियर हूँ, और आप सबसे जुड़ने के बाद मुझे लगता है कि मतलब हाँ, सभी के सभी एकदम से कब आए। तो फिर साड़ी से रिलेटेड, जैसे आप सबको वीडियो देखनी होती है, अगर साड़ी से रिलेटेड ही किसी के कोलाबरेशन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे डांसिंग से रिलेटेड भी ऑफर आए हैं, अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया है किसी भी उसको। भाभी जी, आप सूट तो करो, आप बहुत ब्यूटीफुल दिखोगी। सूट तरी मीन्स एक बार प्लीज अगेन मतलब राइट कीजिए, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, आपने भी जो काफी लॉन्ग लिखा ना, तो फिर उसी में मतलब वर्ड एकदम से कन्वर्ट नहीं हो पाए, डिस्टेंसेबल। और फिर लाएंगे हम अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हुए, जो हमारा फोकस है, जो हमने स्टेटस अपना पोस्ट किया है उसी से रिलेटेड। और सबका डिनर हो गया पहले ये बताइए, और आपको मेरी कटिंग कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। मैंने कटिंग कराई है, और जल्दी जल्दी से शेयर करते रहिए, शेयर करेंगे ना तो मतलब लाइव में और ज़्यादा। देखिए, कटिंग करने के बाद बाल कितने एकदम अच्छे हो गए। आप डिनर करने के लिए जा रहे हैं और मैं जा रही हूँ साड़ी के लेने के लिए, जो साड़ी मुझे वेयर करनी है। तो चलिए, आप डिनर कीजिए, हम अपनी लाइफ को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हमारा मतलब आपसे मिलना था इसलिए मुझे आना था, तो मैं आ गई हूँ लाइव में कंटिन्यू, और ले लेती हूँ अपनी साड़ी जो मैं वेयर करने वाली हूँ, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन साड़ी होगी, क्योंकि बहुत दिनों से लाइव आई भी नहीं थी, तो सोचा आज फाइनली कुछ ना कुछ तो लाना ही है, तो उसी हिसाब से मैं लेती हूँ। यस, श्योर, चलिए करते हैं लाइव कंटिन्यू,
और सुंदर सी साड़ी, ट्रांसपेरेंट साड़ी है, या ये भी सुंदर है, ये भी सुंदर है, कौन सी ले लूँ, ब्लैक ले लूँ ना, ब्लैक लो है साड़ी, लुक बहुत सुंदर लगेगा, आई थिंक ब्लैक इज कंफर्टेबल, गुड, थैंक यू। चलिए चलिए एवरीवन, मैं ला रही हूँ अब आपके सामने अपनी ब्लैक वाली साड़ी का सुंदर सा लुक, और फिर बताइएगा जरूर कि आपको ये वाली साड़ी का लुक कैसा लगा, ठीक है। बहुत ही सुंदर लगती है वैसे ब्लैक साड़ी, और वो प्रिंटिंग में हो तो उसका जवाब ही नहीं, मतलब आप सब समझते हैं, और इतनी सुंदर लगती है ब्लैक कलर मुझे। मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन है जो आपने देखे होंगे, जो मैं ब्लैक साड़ी से रिलेटेड ही ज्यादातर डालती हूँ ना, और मैंने आज क्या किया है ना, अभी सर्दी भी हो रही है, फिर अगर मैं इस तरह से चेंज करूंगी ना, मतलब बैकलेस वैसे तो मैं डाल लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे बैकलेस का कोई वो नहीं है इशू, पर क्या है जो सुबह मॉर्निंग में ना, आजकल जितने भी ब्लॉग्स मेरे आपने देखे होंगे वो आपने देखे ही है, हाय, तो देखिए कितना सुंदर लुक है, और ये है ट्रांसपेरेंट साड़ी, और इसका लुक बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। सूट ट्राई करो, हाँ हाँ सूट भी ट्राई करेंगे, सूट भी आते रहेंगे आप सबके बीच में, फिलहाल तो ये वाली साड़ी लेके आई हूँ मैं, तो आप बताइएगा जरूर मुझे कि ये वाली साड़ी का ब्लॉग आपको कैसा लगा, और साड़ी कैसी लग रही है, बहुत ही सुंदर यूनिक सी साड़ी है, ब्लैक कलर का कॉम्बो था, ओपन साड़ी में भी अच्छी लग रही है, और ब्लैक कलर का तो कितने भी आपने देखे होंगे मेरे ब्लॉग्स, उसका कोई जवाब ही नहीं होता है, सबसे ज़्यादा लुक आता है ब्लैक कलर की साड़ी में, और यूनिक कलर हो जाता है, क्योंकि हमें हमेशा इस तरह की साड़ी की, और चलिए हेयर वगैरह कॉम कर लेते, लुक थोड़ा चेंज हो जाएगा, वेयरिंग न्यू क्लॉथ न्यू डिज़ाइनिंग। तो कैसा लगा मेरा ये साड़ी ब्लैक कलर की, आप ज़रूर बताइएगा। मैम लो वेस्ट पहनिए, अच्छा आप पफ बनाए ना कंघी से, अच्छा पफ बना लूँगी अभी थोड़ा सा मैं, ये देखिए पफ बनाने के लिए ये रहा पफ, ये रहा, कैसा लग रहा है पफ साड़ी पे, अच्छा लग रहा ना, चलिए आपने बोला और मैंने बना लिया, इतनी जल्दी कैसे पॉसिबल है, देखिए जो बोला सो पॉसिबल है, और ये मेरी लो वेस्ट साड़ी से रिलेटेड वीडियो जो मैंने वेयर की है, बहुत ही सुंदर साड़ी है, और बिल्कुल कंट्रास्टिंग ब्लाउज है इसमें, और इसका लुक बहुत बेहतरीन आ रहा है, और आप सबका डिनर हो गया, मेरा तो हो गया है, मैं अब भी डिनर करके आई हूँ, चलिए पहले पफ बना लेती हूँ आप सबसे बातें करके, और फिर ज्वाइन करते रहिए अपनी लाइफ को, कंटिन्यू बनाए रखिए, आप बताइए कैसा लग रहा है, हेयर स्टाइल थोड़ी सी चेंज हो गई है लेकिन अच्छी लग रही है ना, क्योंकि कभी कभी ना डिफरेंट लुक को करना चाहिए, और इस पफ के लुक में ना, थैंक यू, और इस पफ के लुक में ना थोड़ा सा चेंजमेंट भी आ रहा है ना, फेसिंग भी लुक भी चेंज हो गया, कटिंग वाले हेयर्स है
और साड़ी का कलर बहुत ही प्यारा है। मेरा ब्लैक फेवरेट, मेरा और मेरा भी फेवरेट है, आपको क्या बताऊँ, मेरा खुद ही फेवरेट है, क्योंकि ब्लैक कलर मैं हमेशा, बहुत सारी साड़ी मेरे पास है ब्लैक कलर में, और आपने देखी होंगी पहले भी, अगर आप मेरे रेगुलर वाले फॉलोवर होंगे तो, और सबके सब जिस तरह से लाइव में एंट्री हुई है तो सबके सब जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे महसूस हो कि हाँ सारे के सारे मेरी लाइव को देखने के लिए आए हैं। पूजा जी गुड नाइट, गुड नाइट। अनु बहरी जी गुड नाइट। तो ब्लैक कलर किसका फेवरेट नहीं है, ब्लैक कलर सबका फेवरेट होता है, और लाइक कर दीजिए साथ के साथ जल्दी जल्दी सी। और मैंने लिया है थोड़ा सा आई मेकअप, हल्का सा, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसके हल्के से आई मेकअप के बाद लिप कलर का थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ करती हूँ मैं हमेशा, हॉट रेड, आई लव दिस कलर। और ये मैंने पफ बना लिया है, आपने देखा ही होगा, और ये ट्रांसपेरेंट साड़ी जो आपने पहले भी मेरी देखी होगी व्लॉग्स में भी, पूरा पूरा प्रॉपर लुक है इसका, जो सुंदर से आ रखा है। और वैसे बाल खुले भी अच्छे लगते हैं ना। सॉरी। और सबने डिनर कर लिया फाइनली? आप साड़ी को नेवल, हमेशा मेरी से साड़ी वेयरिंग होती है वो इसी टाइप से होती है, शायद आपने ब्लॉग्स देखे होंगे ना मेरे कंटिन्यू। और कल वाली साड़ी भी मैं बहुत सुंदर वाली बांधने वाली हूँ, आप ब्लाउज भी देखना, बहुत सुंदर लुक होगा उसका। और उसी तरह से मेरी एक्टिविटी अभी दिखाती हूँ मैं आपको, ये रहा मेरा साड़ी का लुक। और अब करेंगे अपनी साड़ी को ड्रैपिंग वीडियो में चेंज करने वाली हूँ, और अब मैं डालूंगी ड्रैप अपना हैंकी टक, दिखाती हूँ आपको। एक्चुअली मैं ना सामान ना जैसे सुबह मॉर्निंग में ना जैसे क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, और ड्रैपिंग मेरी होती है 2 दिन बाद, 1 दिन का गैप तो ज़रूर रखती हूँ मैं, और उसके बाद जैसे ही मतलब मैं ढूंढती हूँ जो जो सामान जहाँ रख दिया वो वहाँ नहीं मिल सकता, ये तो ऑब्वियस है, गारंटेड जिसे बोलते हैं ना, गारंटेड, ये मेरे साथ ज़रूर होता है। तो आप सबके किस किस के साथ ऐसा होता है कि कभी भी जो चीज़ ढूंढना चाहो वो टाइम पे नहीं मिलती है, तो ऐसा किस किस के साथ होता है ज़रूर बताइएगा, मेरे साथ तो ज़रूर होता है, मैं अपनी बता दूँ। और इस हैंकी को हम इधर लेंगे ताकि ये साइड में दिखाई ना दे, और उसके बाद ये रहा मेरा ओपन लुक। बताइए, अच्छा आई थिंक कैमरा फोकस वो नहीं हो रहा होगा ना, चलिए दिखाते हैं ब्लैक लुक। यस, मैं अभी अपना स्टैंड नहीं लाई हूँ ना, स्टैंड मेरा आगे रखा है, तो लुक मेरा अच्छा लग रहा है ना। सॉरी, ये रहा मेरा लुक फाइनली। और इसमें अगर मैं ये रहा देखिए, ये वाला भी अच्छा लगा, इस वाले में 2 टाइप हो जाती है साड़ी, पल्लू को रोल करके इस तरह से भी डाल सकते हैं, इसमें हमारा होगा कंफर्ट जोन,
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। और ब्लैक कलर ऑब्वियस मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, आप सब जितना पसंद करते हैं ये वाला कलर, आई एम ऑल्सो सेटिस्फाइड दिस कलर। तो मुझे भी ये कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं हमेशा इस तरह की वेयरिंग करती रहती हूँ, हमेशा मेरा एक नया लुक आप सबके सामने आता रहता है और हमेशा लाइफ में उसी तरह से कंटिन्यू करती हूँ जिस तरह से आपको मेरी लाइफ पसंद आती है। और एक नए लुक के साथ आप सबके बीच में आ गई हूँ, आपकी पूजा शर्मा टर्न अराउंड। और उसके बाद कैसा लग रहा मेरा लुक ये ज़रूर बताइएगा मुझे। ये देखिए अभी दिखाती हूँ, और बहुत सुंदर हो गई है साड़ी, ड्रैपिंग भी हो गई है आपने देखा होगा, और इसका लुक भी आ गया है वो भी आपके सबके सामने ही है। और मैं देख लेती हूँ वो देखिए, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही सुंदर आ रही है इसकी फिटिंग। और ये रही मेरी फिटेड साड़ी का लुक, यहाँ पे टक कर लेते हैं, ये रहा प्रॉपर लुक। और ये है इसका फाइनल लुक, जो बहुत ही आप साड़ी को नहीं, आपने शायद देखा नहीं, मैंने साड़ी की ड्रैपिंग के टाइम जब मैंने अपना हैंगी टक वो दिखाया था तब उसका लुक उसी तरह से लिया था। और इस नए लुक के साथ आपको कैसी लगती है वीडियो और मेरे व्लॉगिंग चैनल पर देख सकते हैं आप इसकी ड्रैपिंग वीडियो, जिस जिसको भी इसकी ड्रैप देखनी है प्रॉपर तरीके से ड्रैप मिलेगी आपको मॉर्निंग में 11 o'clock मेरे व्लॉग्स मिल जाते हैं कंटिन्यू, जो मेरी रूटीन लाइफ से रिलेटेड होते हैं। और जॉइन अस विद हैप्पी फीलिंग एंड हैप्पी ऑलवेज इन योर लाइफ, हमेशा हंसते रहिए, लाइफ इज नॉट मच अ मोर, सो एवरीवन बी हैप्पी। राजपाल मेहरा जी हाय हेलो, पवन साई बैक लुक आई थिंक आपने अभी मैंने कंप्लीट, गुड नाइट संदीप सिंह जी, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। एंड लाइक ऑल्सो बाबू हॉट, थैंक यू वाव योर लुक, थैंक यू। और मोनिश मंजीना था हाय हाय गुड इवनिंग एवरीवन, और सभी को मेरी लाइव में बहुत 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 स्वागत है आप सबका। और आपको मेरी लाइव किस तरह से लगी, बहुत ही सुंदर साड़ी का व्यू था, आप पूरा प्रॉपर अगेन देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग में कर दूंगी अभी जस्ट, और उसके बाद मॉर्निंग में करेंगे इस ब्लॉग का, इस साड़ी का कर लूँगी, अदरवाइज दूसरी साड़ी होगी नेट से रिलेटेड होगी या थ्रेड होगी या सिल्क होगी, वो ब्लॉग में पता लगेगा, आप जाके देख सकते हैं। और मेरी इंस्टा आईडी पे बहुत ही सुंदर सुंदर रील्स वगैरह मैं कवर करती हूँ, वो भी आप देख सकते हैं, वो होगी मेरी इंस्टा आईडी, आपको मिलेगी मेरे ब्लॉग में, चलिए आप देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे भी, और मेरी इंस्टा आईडी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरे व्लॉग, उसमें होती है मेरी इंस्टा आईडी और उसमें होती है मेरी सुंदर सुंदर डांस से रिलेटेड वीडियो, मेरी फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जितने मैं ड्रेसेस वगैरह कवर करती हूँ वो सब रहती है, मेरी लाइफ स्टाइल होती है। तो जाइए चेकआउट माई इंस्टा आईडी, माई फैशन फेसबुक आईडी, वहाँ पे भी मेरी रील्स वगैरह होती है शॉर्ट वीडियोस। तो चलिए कर देते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड एक बार ट्राई करो साड़ी, आप मेरी साड़ीज़ को
साड़ी देख सकते हैं, पीछे भी मेरी ड्रैपिंग रिलेटेड वीडियो मैंने डाल रखी है। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं तो इसी तरह से हमेशा बने रहिए मेरे चैनल पर। और बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे आप सबके साथ। और इवनिंग टाइम देखिए, क्लीनिंग वगैरह सारी हो चुकी है, डिनर मेरा हो चुका है। आप सबका डिनर हुआ या नहीं हुआ प्लीज़ टेल मी, किस किस ने क्या क्या खाया। मैंने तो फ्राइड खाए थे, आई लव फ्राइड राइस विद मंचूरियन। चलिए अब आ गई हूँ मैं मिरर के सामने आप सबसे बात करने के लिए, क्योंकि फिर कर देंगे इस लाइव का यहीं पर एंड। चलिए हेयर कर लेती हूँ ओपन, मैंने करा थी आज कटिंग बालों की, और बालों की कटिंग कराने के बाद लुक काफ़ी अच्छा आ रहा। और गुड नाइट कर चुके हैं आधे से ज़्यादा लोग, तो चलिए कर देते हैं हम भी गुड नाइट और इस ब्लॉग का यहीं पर कर देते हैं एंड। और मिलेंगे आपको नेक्स्ट लाइव के साथ, लाइव स्ट्रीमिंग वन डे लेफ्ट भी हो सकती है और कल 1 बजे भी आ सकती है। मेरा क्या होता है, जैसे कि मैं रेडी हुई और रेडी होने के बाद मतलब मेरा मूड चेंज होता है ना, जैसे कि मुझे अच्छा लगता है कि हाँ भाई ये वाली साड़ी बहुत ही सुंदर लग रही है, तो मुझे इस साड़ी का ब्लॉग ज़रूर लेके आना चाहिए। तो फिर मैं हमेशा, आपने देखा होगा जो मेरे रेगुलर वीडियोज़ देखते होंगे, तो मैं क्या करती हूँ पहले तो उसे लाइव में आ जाती हूँ उसके साथ डेली पहना करूँ। हाँ जी डेली भी पहनती हूँ, वही तो मैं बोल रही हूँ। तो फिर मैं पहले तो उसकी लाइव कर देती हूँ, लाइव करने के बाद मैं कंटिन्यू, अगर व्लॉग में कंटिन्यू मुझे साड़ी वेयर करनी होती है या कहीं जाने के बाद भी मैं वेयर करती हूँ, तो थोड़ा बहुत लुक जितना भी मैं उसमें ऐड कर सकूँ अपने व्लॉग में, मैं कंटिन्यू उसे बराबर अपने व्लॉग में लेती हूँ। और इसी तरह से मेरे सुंदर सुंदर व्लॉग्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए कर दें इस व्लॉग का यहीं पर एंड, हो गई अब तो आपसे काफ़ी बातें, जबकि आज तक भी मतलब मैंने इतनी सारी लाइव वगैरह की है, मैंने इतनी लंबी लाइव कभी नहीं करी है, क्योंकि आज आप सबसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। और जो मैंने आपसे बात की थी वो जरूर आप ध्यान रखें करें। आपके पास कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ ट्रायल मी अबाउट कि मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए, ठीक है। और क्या मैं व्लॉग में नया लेके आऊँ, और प्रमोशन से रिलेटेड जो मैंने वीडियो आपको बताई है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए